मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इत्थे मौजूद सारे दर्शक साहिबान दा असी तहे दिलों स्वागत करते हाँ। खालसा जी दे लगातार मनाए जा रहे 300 साला जन्मदिन के पावन मौके ते सारी सिख कौम की इस सांझी खुशी विच शरीक होने लई असी भी खालसा इतिहास ते आधारित अपनी फिल्म खालसा लैके हाजिर हो रहे हाँ, जिस नूं विखाउण तो पहला असी खालसा फिल्म नूं बनाउण दे साडे असल मकसद बारे अपने कुछ जज्बात तुहाडे नाल सांझे करने चाहांगे। सानूं उम्मीद है कि खालसा इतिहास नूं सारी मानवता नाल सांझा करन दी साडी इह निमाणी जिही कोशिश तुहानूं जरूर पसंद आएगी, क्योंकि साडी इह कोशिश पूरी तरह खालिस है अते इसदा नाम है खालसा। असल विच सच तो यह है कि सारे गुरु साहिबान अते महान सिख शहीदां जपियां तपियां हठियां समेत सारी सिख कौम नूं समर्पित साड़ी इस फिल्म खालसा दा मकसद आम बंबईया जां पंजाबी फिल्मां वांग किसे दा मनोरंजन करना बिल्कुल नहीं, बल्कि महान खालसा इतिहास नूं श्रद्धांजलि दिंदिया होया सारी मानवता नाल सांझा करना है, जिस नूं वेखण लई बेशुमार कुर्बानियां भरे महान सिख इतिहासिक विरसे दे प्रति एक खास तरह दे लगाव श्रद्धा भावना ते संवेदनशीलता दी लोड़ होवेगी। लिहाजा बेनती है कि जे कोई दर्शक किसी भी तरह दे फिल्मी जहे मनोरंजन दी उम्मीद दे भुलेखे विच गलती नाल इत्थे आ गया होवे तां मेहरबानी करके इस इतिहासिक फिल्म दे शुरू होण तों पहलां ही ओह इत्थों वापस जा सकदा है, ताकि बाद विच सानूं दोहां धिरां नूं एक दूजे तों निराश ना होना पवे, क्योंकि साड़ी इस फिल्म विच कुछ भी कल्पित नहीं है, जो कुछ भी है वो संखेप विच खालिस खालसा इतिहास है अते असल खालसा इतिहास नूं किसे फिल्म दे रूप विच पेश करना आम काल्पनिक फिल्मां बनाउण नालों किते ज़्यादा मुश्किल ते चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर जद के गुरु साहिबान जां उन्हां नाल संबंधित किसी भी महान शख्सियत नूं किसे अदाकार राहीं परदे उत्ते विखाउण दी इजाजत नहीं है। इसे करके असी भी
गुरु साहिबान दीयां तस्वीरां अते इतिहासिक स्थानां दे जरिए ही सिख इतिहास नूं परदे ते दर्शाउण दा यतन कीता है। फिल्मांकन दे पक्खों अजिहियां होर भी कई तरह दीयां धार्मिक सीमावां ते इतिहासिक मतभेदां दे बावजूद असीं अपनी काबिलियत हैसियत अते सीमित जिहे साधनां ते समें मुताबक महान खालसा इतिहास नूं अपने वल्लों काफ़ी वड्डे पैमाने ते फिल्माउण दा पूरा यतन कीता है। पहली बार इस पद्धर ते फिल्माए गए असल खालसा इतिहास नूं इस फिल्म दे जरिए देखते हुए तुसी सिर्फ महान खालसा इतिहास की संखेप झलक ही नहीं देखोगे बल्कि उस दे नाल नाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंधित तकरीबन सारे महान इतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान दे दर्शन भी कर सकोगे। साड़ी सीमित जही सोच समझ ते खोज मुताबक जे अज खालसा इतिहास नूं फिर दोहराउण दी नहीं तक घटो घट सारी दुनिया नूं वार वार दिखाउण दी सख्त लोड़ है ताकि बेशुमार कुर्बानियां शहादतां अते लहू दे परे दरियावां नाल रंगे हुए अदुत्ती इतिहास वर्गा विरसा अपने पिछे रखण वाले हर सिख नूं उह स्थान उह दर्जा उह अधिकार अते उह माण सत्कार मिल सके जिस दा उह हुण तों ही नहीं बल्कि पिछलियां कई सदियां तों हकदार है अते जिस नूं हासिल करन लई उसनू गुरु नानक देव जी दे निर्मल पंथी सिख तो दशमेश पिता दे जुझारू सिंह दे रूप विच खालसा सजना पिया सी। असी अपनी इस फिल्म खालसा दे जरिए सिखां दे शहीदियां परे इतिहास नू मूंह बोल दियां तस्वीरां राहीं एक अजिहा सच्चा इतिहासिक गवाह बनाउण दा यतन कीता है जिस अगे मौजूदा वक्त दी सियासत ही नहीं बल्कि बीतियां हुईयां सदियां भी अपने समयां दियां गैर इंसानी ना इंसाफियां नूं वेख वेख के अपने आप ते शर्मसार होण अते गुरु दा हर सिख जिथे भी किते अपने इस बेमिसाल ते गौरवमई इतिहासिक विरसे दे रूबरू होवे उत्थे ही उह फखर विच गदगद हुंदे होए सिख कौम दी पग नूं पहलां नालों होर भी उच्ची हुंदी हुई महसूस करे। वक्त दी अदालत जद कदे भी सिदक दे पक्के सिखां दे खून नाल रंगी हुई हिंदुस्तान दी तारीख दे पन्ने पलटेगी तां ही शायद मुढ तो लैके अज तक अपने वतन अपनी मिट्टी अपने सिदक अते मानवता दे आत्म सम्मान दी रक्षा लई डुलन वाले हर सिख दे खून दे हर कतरे दा सही मुल ते सही कदर पाई जा सकेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सा सोए गुरु हित लावे खालसा सोए सार मुह भावे खालसा 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 सदी के दौरान जद इस धरती से बाहरी हमलावरां के जबरां जुल्मां तो इलावा तरह तरह के हनेरियां विच घिरी हुई मानवता दम तोड़ रही सी तां श्री गुरु नानक देव जी ने गुरसिखी का एक विलखण मार्ग दिखा के सारी मानस जात नूं एक सार ते एक समान करन दा एक अजिहा महाकारज आरंभिया जिस नूं संपूर्ण करन लई उन्होंने चौहां दिशावां विच अपनियां चार उदासियां दे जरिए पाटकी हुई मानवता नूं सच्चे आत्म ज्ञान दी जाग ला के सिखी दे सच्चे सुच्चे ते विलखण मार्ग ते चलण लई प्रेरित कीता अते इसे प्रेरणा दी जोत नूं उजागर रखदे होया गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी अते गुरु रामदास जी ने तरह तरह दे हनेरियां विच घिरी हुई मनुखता नूं गुरसिखी दे चानण विच सच्चे साहिब नूं त्यौण ते पौण दा सच्चा मार्ग दर्शाया। जिस ते चलदे होया श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब की स्थापना करके उस विच श्री ग्रंथ साहब का प्रकाश करवाया अते धार्मिक कट्टरता दे जनून विच अन्नी हुई हुकूमत दे जबर अगे चुकण की बजाय तरह तरह के तसीहे सहंदे होया अपनी शहादत दे के गुरसिखी दे मुढ़ले सिद्धांतां ते अटल रहिंदे होए अपनी कथनी ते करनी नूं इक कर विखाया सी जिस दे नतीजे वजो श्री गुरु हरगोबिंद जी ने दो तलवारां तारण करके मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं उजागर कीता अते सिक्खी दी रूहानी जोत दी लो नूं बरकरार रखण लई अकाल तख्त साहिब दी स्थापना करके गुरु घर दे विरोधियां जाबरां अते कट्टरपंथियां दे हमलियां दा मूंह तोड़ जवाब दिंदे होए कई जंगां जित के अपने मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं हमेशा लई एक अमली जामा पहना दिता। जदों कि गुरु हर राय जी ने पहले गुरु साहिबान दे पाए पूर्णियां ते चलदे होए अपने दादा श्री गुरु हरगोबिंद जी दे मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं सिख संगतां विच होर भी प्रचलित कीता अते गुरु हरकृष्ण जी ने अपनी बहुत छोटी जही उम्र दे बावजूद अपने बहुत ही सीमित जहे जीवन काल दौरान मानवता दा कल्याण करदे होया ज्योति जोत समाउण तो पहला बाबा बकाले कह के सिख संगतां नूं नौवें गुरु साहिब दे दर दी सेध दे दित्ती जिस दे परिणाम स्वरूप भाई मखण लुबाणे वर्गे गुर भगतां दी अथाह शरदा राही गुरु तेग बहादुर साहिब दा दर लभ लिया गया। गुरु लादो रे गुरु लादो रे। गुरु साहिब ने गुरगद्दी संभालण तो बाद उस समय दे हर पक्खों गंदले होए कट्टरपंथी माहौल विच एक निवेकले स्थान ते श्री आनंदपुर साहिब नगर वसाया। इसे दौरान दखण दियां जंगां विच उलझे हुए औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता
अते दिमागी संकीर्णता दा सबूत दिंदे होए अपने सियासी फायदियां दी खातिर पूरे हिंदुस्तान विच हिंदू मंदिर ते पाठशालावां ढोण दे नाल नाल उन्हां दीयां सारीयां धार्मिक रस्मां रीतां उत्ते सख्त पाबंदियां ला के अन्नेवाह हिंदुआं नूं जबरी इस्लाम कबूल करवाना शुरू करवा दिता। हमने तवील ज़हनी जद्दोजहद और कश्मकश के बाद ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद तमाम हिंदू काफिरों को इस्लाम कबूल करवाया जाए, अपनी मर्जी से या जबरन। इनकार या मुखालफत करने वालों के सरेआम सर कलम कर दिए जाएं। हमें यकीन है कि हमारे इस हुक्म को बखूबी अंजाम देने वालों को अल्लाह पाक की रहमत नसीब होगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह मखसूस की जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह मुगल हुकूमत दे जबर ते जुल्म नाल हर पासे हाहाकार मच उठिया, पर गुरु साहब ने थां थां जाके दहशतजदा लोकां नूं अपने उपदेशां दे जरिए अणख नाल जिउण ते अणख नाल मरन दी तालीम देण दा सिलसिला जारी रखिया। इस दौरान मुगल हुकूमत दा जुल्म ओ जबर अपनियां सारियां हद्दां पार करदा जा रहा सी। आखिर पंडित कृपा राम की अगवाई हेठ कुछ मजलूम कश्मीरी ब्राह्मण इकट्ठे होके गुरु साहब को पहुंचे अते मदद लई बेनती कर लगे। गुरु जी ने कश्मीरी ब्राह्मणा की बेनती सुन तो बाद कुछ समा सोच विचार करते होया मन ही मन कुछ तय करके उन्हां ब्राह्मणा नूं अपना यह फैसला सुना दिता कि वह मुगल हाकमां नूं यह कह देण कि जे साडा गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लवेगा तो असी भी सारे बड़ी खुशी नाल उस दे वांग ही इस्लाम स्वीकार कर लवांगे। दुनिया दे इतिहास विच शायद ही किते परमार्थ ले कीते गए अजिहे फैसले दी कोई होर मिसाल मिल सके। इस देश विच सत्याग्रह दी परिभाषा नूं गुरु अर्जन देव जी ने अपनी शहादत नाल जो नवे अर्थ दिते सन उन्हां अर्थां नूं गुरु तेग बहादुर जी ने अपने इस इतिहासिक फैसले दे जरिए आदमखोर हुकूमत वल आप सद्दा गल के एक अजिहा अमली रूप दे दिता सी जिस दे सामने सारी खुदाई विच सारे सत्याग्रह अते परमार्थ लई कीते सारे फैसले सदा बौने लगदे रहणगे। कुछ इतिहासकारां मुताबिक कश्मीरी ब्राह्मणा दी बेनती सुन तो बाद गुरु साहब ने जद बहुत संजीदा हुंदिया होया ए कहा कि अजिही संकट दी कड़ी विच लोकां दा बचा करन लई किसी न किसी महापुरख नूं शहादत देनी पवेगी तां 9 सालां दी उम्र दे श्री गोविंद राय जी ने अपने पिता जी नूं सुझा दिंदिया होया कहा कि उन्हां नालों वड्डा महापुरख भला होर कौन हो सकता है अते अपने सपुत्र दे इन्हां बचना दे आधार ते ही गुरु साहब ने कश्मीरी ब्राह्मणा दे राही अपने इस महान फैसले दा सुनेहा औरंगजेब नूं भिजवा दिता अते जद जबर करन वालियां हाकमां दे जरिए गुरु साहब दा फैसला औरंगजेब तक पहुंचिया तो उसने फौरन गुरु साहब दी गिरफ्तारी दा हुक्म जारी कर दिता। तो फौरन उस गुरु को गिरफ्तार करके उसे इस्लाम कबूल कराया जाए। इस दौरान हर पासे फैली हुई दहशत दे माहौल विच लोकां नूं राहत पहुंचाउण दे नाल नाल उन्हां नूं सहारा देण दे यत्नां विच लगे हुए गुरु साहिब नूं उन्हां दे कुछ उग्गे गुरसिखां समेत मुगल हाकमां राहीं गिरफ्तार कर लिया गया अते मुगल हुकमरानां दी हिदायत मुताबक बहुत ही सोची समझी साजिश दे तहत गुरु साहिब नूं गिरफ्तार कर लैण तों बाद बड़े ही खुफिया तरीके नाल कई महीनियां तक एक बंदीखाने विच कैद रखा गया।
आखिर हसन अब्दाल तो औरंगजेब दा हुक्म आ जान तो बाद गुरु साहब नू पिंजरे विच कैद करके तिन्ना गुरसिखां समेत दिल्ली लियांदा गया, जिथे औरंगजेब दे हुक्म मुताबक दिल्ली दे सूबेदार अते शाही काजी ने जद गुरु साहब नू कोई करामात करके विखाउण जां इस्लाम कबूल करन दी हिदायत दित्ती तां गुरु साहब ने करामात करके विखाउण नू रब नाल शरीका अते जबरी इस्लाम कबूल करवाउण नू कहर करार दिंदे होया उन्हां दीआं दोहां हिदायतां नू मन्नण तों इनकार कर दिता। आखिर गुरु साहब नू खौफ ज़दा करके इस्लाम कबूल करवाउण लई उन्हां दीआं अखां दे सामणे भाई मती दास जी नू आरे नाल चीर दिता गया, भाई दयाला जी नू उबलदी हुई देग विच ज्यौंदियां ही उबाल दिता गया अते भाई सती दास जी दे शरीर दुआले रूह लपेट के उन्हां नू ज्यौंदे जी ही पुन दिता गया। पर इन्हां गुरसिखां ने अपने सिदक दी लाज रखदे होया सतनाम वाहिगुरु दा जाप करदिया अपने प्राण त्याग दिते। उन्हां चंडालां दे हथों अपने तिन्ना गुरसिखां दा अजिहा गैर इंसानी अते भयानक अंत देख लैण तों बाद भी गुरु साहिब नूं अपनी मर्यादा ते अटल वेख के जालिम हाकमां ने औरंगजेब दे उस हुक्म दी आखरी हिदायत नूं अंजाम देण दा फैसला कर लिया, जिस विच सरेआम गुरु साहिब दा सिर कलम करके उन्हां दे जिस्म दे टुकड़ियां नूं दिल्ली दे चारों पासे टंग देण दी सख्त ताकीद कीती गई सी। किसी ने भी उनके जिस्म के टुकड़ों को छूने की कोशिश की तो उसका भी वही अंजाम होगा। आखिर गुरु साहिब नू दिन दिहाड़े बेहिसाब लोकां दी भीड़ दे सामने चांदनी चौक विचकार लिया के बड़ी बेरहमी नाल शहीद कर दिता गया। जंजू राखा प्रभुता का कीनो बड़ो कलू में साका तिलक जंजू करी शीस दिया पर सीना उचरी साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी इस तरह जिस हिंद दी पत रखण लई गुरु साहिब ने अपने सिर दा बलिदान दे दिता सी उस हिंद दे बेहिसाब बाशिंदियां दी मौजूदगी विच उन्हां दीआं अखां दे सामने दिन दिहाड़े सरेआम एक होर अनर्थ होया, पर उस सारे हिंदवासी मूक दर्शक बने इह अनर्थ हुंदिआं वेखते रहे। शायद हुकूमत दे कीते ऐलान दी दहशत नाल उन्हां दीआं रगां विच वगदा खून पानी बन चुका सी। आखिर कायरां दी इन्नी वड्डी भीड़ दे विचकार पए गुरु तेग बहादुर साहिब दे मृतक शरीर नू वेख के कुदरत नू भी इस गैर इंसानी मंजर उत्ते शर्म आउण लगी अते चांदनी चौक विचकार लावारिस पई हिंद दी चादर नू
ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੱਖੜ ਚੋਲੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਧੜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਜਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1675 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਤ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਏ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀਏ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਬਾਹ ਜਿਨਾ ਦੀ ਪਕੜੀ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ।
गुरु साहब ने रणजीत नगारा नाम दा एक बहुत वड्डा नगारा भी तैयार करवाया, जिस नूं सुबह शाम वजा के उसकी जोरदार धमक नाल सिखां दे जोश ते हौसले नूं होर भी बुलंद किया जाता सी। गुरु साहब ने भगती अते शक्ति दोहां विच पूरा संतुलन रखते होया सिखां नूं पूरी तरह जथेबंद करन दे नाल नाल गुरु के लंगर विच संगत ते पंगत दी शुरू तो चली आ रही रवायत नूं होर पुख्ता करन लई ए हिदायत जारी कर दित्ती कि जो भी कोई ऊच नीच दी भावना दा शिकार होके संगत नाल पंगत विच बैठ के लंगर नहीं छकेगा उस नूं साडा सिख ना समझा जावे। कहा जाता है कि कुछ आलसी अते डरपोक किस्म दे मसंदां दे शंकियां दा निवारण करदे होया गुरु साहब ने उन्हां नूं ए नसीहत भी दित्ती सी कि सिर्फ नीवी पाई रखन नाल ही किसे खतरे नूं टालिया नहीं जा सकता, सगो आउण वाले हर खतरे दा सिर चुक के सामना करना ही हर गुरसिख दा धर्म होना चाहिदा है, क्योंकि किसे भी खतरे दा हल उस नूं वेख के न्यौण विच नहीं उस नाल नजिठण विच है। इतिहासकारां मुताबिक आनंदपुर साहिब दे नज़दीक ही इस स्थान ते विसाखी वाले दिन लाहौर निवासी भाई राम सरन दास जी की सपुत्री बीबी सुंदर स्वरूप नाल गुरु साहब का आनंद कारज संपन्न होया अते इस स्थान नूं अज भी गुरु का लाहौर नाम नाल जाणिया जांदा है। गुरु साहिब दे हर पासे वध रहे प्रताप अते सिख संगतां दी दिन ब दिन वध रही गिणती दे नाल नाल गुरसिखां दे लगातार शस्त्र अभ्यास अते जंगी खेडां दे माहौल नूं देखदे होए कई पहाड़ी राजे गुरु साहिब तों बहुत खौफजदा होण लगे। खासकर कहलूर दे राजे भीम चंद नूं कुछ ज़्यादा ही खतरा महसूस होण लगा, जिस दे राज विच आनंदपुर साहिब दी स्थापना कीती गई सी। हमें अभी इसी समय से उनकी ताकत को रोकने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने होंगे। सबसे पहले हमें लिहाजा उसने ग्वांडी राजा नाल मिलके गुरु साहब के खिलाफ कई तरह दियां साजिशां करनियां शुरू कर दितियां। उनके संगठन और दल बल को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से उन्हें खदेड़ पाएंगे। साम दाम दंड भेद, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद भी अगर हम उन्हें खदेड़ने में कामयाब ना हुए तो? राजा साहब, अब हमारे सामने भला और क्या विकल्प बचा है? कोई विकल्प नहीं बचा है। मेरी राय में बिना युद्ध के उन्हें खदेड़ पाना असंभव है, इसलिए अब हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता है, आक्रमण। युद्ध। इस तरह पहाड़ी राजा ने गुरु साहब ते हमला करन दियां मुढ़लियां तैयारियां दी शुरुआत कर दिती। पर जद आसाम दा राजा रतन राय अपनी अथाह श्रद्धा दा इजहार करन लई बहुत सारियां वडमुल्लियां भेटावां लैके गुरु दरबार विच हाजिर होया तां कहलूर दा राजा भीम चंद गुरु साहब दी शानो शौकत ते सिखां दी वधदी हुई फौजी ताकत दे नाल नाल राजा रतन राय वल्लों भेट कीते गए वडमुल्ले तोहफ्यां दे कारण अंदर ही अंदर ईरखा भय अते द्वेष जिहियां दुर्भावनावां दा शिकार होण लगा। इन्हीं दिनी काफी लंबे समय तो अपने आस पास दे कई पहाड़ी राजां तो तंग आ चुके नाहन दे राजा मेदनी प्रकाश दी बेनती स्वीकार करके गुरु साहिब 500 सिखां समेत नाहन लई रवाना हो गए अते नाहन दे राजे दी मेहमान नवाजी कबूल कर लैण तो बाद जिस रमणीक स्थान नूं उन्होंने अपना डेरा लगाउण लई चुनिया सी उसनूं अज भी पौंटा साहब दे नाम नाल जाणिया जांदा है। इस स्थान ते ही गुरु साहब ने अपने 52 दरबारी कवियां समेत आप भी बड़े विस्तृत विषयां उपर बहुत सारियां उच्च कोटि दियां वीर रस प्रदान काव्य रचनावां रचियां सन जो दसम ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन।
ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਿਮਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। इस तरह तकरीबन दो तीन साल तक इसे स्थान पर रहते हुए गुरु साहब ने वीरस प्रधान काव्य रचनावां अते पुरातन वीरस साहित्य दा पंजाबी विच अनुवाद करवाउण दे नाल नाल हर तरह के जंगी अभ्यास नूं भी जारी रखिया, जिस दौरान इसे स्थान पर वड्डी गिणती विच दूरों दूरों नवे जुझारू सिख गुरु साहब की फौज विच शामिल हुंदे रहे अते सिख संगतां विच बड़े वड्डे पैमाने ते वाधा होण दे नाल नाल गुरु साहब का प्रताप दूर दूर तक फैलन लगा। इत्थे ही सुडौरे दे पीर बुद्धू शाह औरंगजेब दे अपनी फौज विचों कढ़े हुए 500 पठाणा नूं गुरु साहब की फौज विच भर्ती करवाउण आए सन, जिन्हां नूं जंगा लड़न दा पहलां तों ही काफ़ी तजुर्बा हासिल सी। कहा जाता है कि इसे स्थान ते अपनी ठहर के दौरान गुरु साहब ने नाहन अते श्रीनगर के राजे फतेह शाह विचकार चली आ रही पुरानी खैबाजी नूं खत्म करवा के उन्हां दोहां दा आपस विच समझौता करवा दिता सी। पर इस इलाके विच ठहरे हुए गुरु साहब का इस तरह वध रहा प्रताप पहला तो ही बदला लैण दा मौका तलाश रहे कहलूर दे राजे भीम चंद तो बर्दाश्त ना हो सकया अते उसने खाम खा दे बहाने कड़ के कई होर पहाड़ी राजां दी फौज समेत गुरु साहिब उत्ते हमला कर दिता। जिस दे परिणाम स्वरूप पंगाणी दे स्थान उत्ते कमसान युद्ध होया, जिस विच पीर बुद्धू शाह दे भर्ती करवाए हुए 500 पठान पहाड़ी राजां वल्लों ज़्यादा पैसे मिलन दे लालच विच आ के उन्हां नाल जा रले। इस गल दा पता लगन ते पीर बुद्धू शाह अपने चार पुत्रां ते एक भाई तो इलावा अपने 700 मुरीदां नूं नाल लै के गुरु साहिब दी मदद लई पंगाणी दे युद्ध विच आ शामिल होए। आखिर दोहां तिरां दा काफ़ी नुकसान हो जाण तों बाद पहाड़ी राजां दी फौज नूं मैदान छड्ड के भजना पिया। इस तरह गुरु साहिब दी फौज ने पंगाणी विखे हुई इस पहली जंग विच पहली जित हासिल कीती। जिस स्थान ते इह जंग लड़ी ते जीती गई सी उस इतिहासिक स्थान ते इह गुरद्वारा पंगाणी साहिब स्थापित हन। पंगाणी दी जंग तों बाद गुरु साहब ने भविख विच आउण वाले खतरियां नाल नजिठण लई वापस आके आनंदपुर साहब के चारों पासे आनंदगढ़, तारागढ़, फतेहगढ़, लोहगढ़ ते होलगढ़ इन्हां पंजां किलियां दी उसारी दा काम आरंभ करवा दिता। इन्हां पंजां किलियां दी बदौलत ही अज दे श्री आनंदपुर साहिब नूं उन्हां समयां विच हर पक्खों सुरक्षा प्रदान करन दे नाल नाल हमलावरां नूं मूंह तोड़ जवाब दित्ता जा सकिया सी। मुगलां दे जुल्मो जबर अते गुरु घर विरोधी पहाड़ी राजां दीआं साजिशां भरे माहौल विच दिन ब दिन
जंग दे वध रहे आसार वेखदे होया गुरु साहिब ने सिख फौज की गिनती नूं वधाउण दे नाल नाल जंगी अभ्यासां अते जंगी तैयारियां नूं होर भी अहमियत देनी शुरू कर दिती। कहलूर दा राजा भीम चंद आनंदपुर साहिब विच हो रही इन्हां तैयारियां ते किलियां दे होंद विच आउण नाल सिखां दी वध रही ताकत तों होर भी भयभीत होण लगा अते पंगाणी दी जंग विच होई अपनी शिकस्त उपर अंदर ही अंदर जहर घोलदा होया गुरु साहिब दी वध रही शक्ति नूं खत्म करन दीआं योजनावां बनाउण लगा। पर अपने इरादे किसे सिरे ना लगदे वेख उसने अपने वजीरां दे मशवरियां ते अमल करदे होए गुरु साहिब नाल समझौता कर लैण विच ही अपनी बेहतरी समझी। हमारा ये हुक्मनामा जम्मू के सूबेदार मियां खां तक पहुंचा दिया जाए। इस दौरान औरंगजेब दे हुक्म मुताबक जम्मू दे सूबेदार मियां खान ने अपनी फौज दे सिपा सलार अलफ खान नूं पहाड़ी राजा तों पूरी सख्ती नाल कर वसूलन लई भिजवा दिता। पर सारे पहाड़ी राजा ने अलफ खान नूं एह कह के अपने मोहरी राजे भीम चंद पिछे पा दिता कि जे साडा मोहरी राजा भीम चंद मुगल हुकूमत नूं कर देण लई तैयार हो जांदा है तां बाकी सारे राजे भी अपने आप ही सारा कर जमा करवा देणगे। असंभव। उधर भीम चंद ने यह सोच के अलफ खान नूं कर देण तों साफ इनकार कर दिता कि जेकर अज ओह मुगल हुकूमत तों डर के उन्हां नूं कर देण लई तैयार हो गया तां भविख विच उन्हां दीआं मंगां वधदीआं ही जाणगीआं। लिहाजा उसने मुगल हुकूमत नाल टक्कर लैण लई अपने आप नूं शरणागत दा दर्जा दिंदे होया फौजी इमदाद लई तरलिया भरी दरखास्त अपने एक राजदूत दे जरिए गुरु साहिब दे दरबार विच भिजवा दित्ती, जिस दे नतीजे वजों गुरु साहिब फिर गुरु घर दी मर्यादा नूं बरकरार रखदे होए शरणागत दी मदद करन लई राजी हो गए। पर इस दौरान बाकी दे पहाड़ी राजा ने अलफ खान नूं कर देना मंजूर कर लैण तों बाद उस दे नाल मिल के बड़ी वड्डी फौज लै के भीम चंद उत्ते हमला कर दिता। आखिर गुरु साहिब की अगुवाई विच बड़ी भयानक लड़ाई तो बाद हमलावरां नूं मैदान छड के भजना पिया। इस जित तो बाद गुरु साहिब की सरपरस्ती विच सिखां दी फौजी ताकत होर भी तेजी नाल वधन लगी, जिसनूं वेख के पहाड़ी राजे तां खतरा महसूस कर ही रहे सन पर पंजाब दे सूबेदार दिलावर खान नूं भी कुछ खतरा महसूस होण लगा अते उसने गुरु साहिब तों कर वसूलण लई अपने पुत्तर दी कमान हेठ 11,000 सैनिकां दी फौज नूं इह हुक्म दे के भेज दिता कि जे गुरु साहिब किसे तरह दा विरोध करदे होए कर देण तों इनकार करन तां आनंदपुर नगर नूं लुट लिया जावे। तो आनंदपुर शहर को लूट कर अपना हिसाब चुकता कर लेना। जाओ, फतियाबी तुम्हारे कदम चूमे। ऐनी वड्डी फौज दे चढ़ाई करन दी खबर सुन के आनंदपुर साहिब दे बहुत सारे वसनीक शहर छड के भज गए। पर गुरु साहिब दी फौज ने सतलुज दे कंडे उत्ते दिलावर खान दी फौज दा डट के मुकाबला कीता अते आखिरकार मुगल फौज नूं बुरी तरह शिकस्त खा के जंग दे मैदान विचों भजना पिया। इस हार दा मूंह तोड़ जवाब देण लई दिलावर खान ने अपने एक बड़े वड्डे सूरमे जरनैल हुसैन खान नूं एक वड्डी फौज दे के आनंदपुर साहिब ते चढ़ाई करन लई भेज दिता। जिस दे नतीजे वजों भीम चंद समेत सारे पहाड़ी राजा ने खौफजदा हो के हुसैन खान नूं कर देण दे नाल नाल जंग विच भी उसका साथ देना कबूल कर लिया, जिससे हम लोग कभी भी मुकर नहीं सकते। जैसा आपने कहा था वैसा ही लिखा है। बहुत खूब, बहुत खूब।
पर गुलेर दे राजा गोपाल ने मुगल हकूमत राही तय की गई कर दी रकम नू देन तो इनकार कर देता। हमसे इस तरह कर मांगने का उन्होंने साहस कैसे किया? जिस दे जवाब विच मुगल जरनैल हुसैन खान ने गुरु साहब तो पहला उस नाल निजिठण दा फैसला कर लिया। तो सबसे पहले उसी से निपटना होगा, उसके बाद उस गुरु से भी निपट लेंगे। अजेहे हालात विच राजे गोपाल दे फौजी इमदाद लई फरियाद करन ते गुरु साहब ने अपनी फौज उस दी मदद लई भिजवा दिती। कहा जाता है कि गुरु साहब दी भेजी फौज दी मदद नाल लड़ी गई घमसान जंग दे दौरान कांगड़े दे राजे समेत मुगल जरनैल हुसैन खान मारिया गया। भीम चंद नू जंग दा मैदान छड़ के भजना पिया। आखिरकार राजे गोपाल ने जित हासिल कर ली, जिसका सेहरा गुरु साहब ते सिख फौज नू दिंदा होया वो हमेशा लई गुरु घर दा मुरीद बन गया। इस दौरान गुरु साहब दे नाम दी महिमा सुन के बनारस दा एक प्रसिद्ध ब्राह्मण केशवदास गुरु साहब अगे चंडी देवी नू प्रगट करन दा दावा आ करन लगा। गुरु महाराज, आप इस ब्राह्मण का विश्वास कीजिए, मैं अपने जप तप और हवन की शक्ति से युद्ध की देवी चंडी को प्रकट करवा सकता हूँ और ऐसा वरदान दिलवा सकता हूँ कि आपकी युद्ध में कभी भी हार नहीं होगी, सदैव जीत ही जीत होगी। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप मुझे और मेरी विद्या को परख सकते हैं। केशव दास दे इस दावे दी आजमाइश करन लई सिखां दे बहुत जोर देन ते गुरु साहब ने ना चाहुंदिया होया भी अपने सेवकां दा मन रखन लई पंडित केशव दास नू हवन करन दी इजाजत दे दित्ती। पर लगभग एक साल तक हवन कुंड विच हवन सामग्री बालन दे बाद भी जब देवी प्रगट ना होई ता गुरु साहब दे देवी प्रगट ना होण दा कारण पुछण ते पंडित केशव दास ने ए बहाना बना दिता। सच तो यह है गुरु महाराज, देवी माँ ने मेरे स्वप्न में प्रकट होकर ये कहा है कि यदि कोई भी पवित्र महापुरुष अपनी बलि देकर देवी को प्रसन्न करेगा तो वो अवश्य प्रकट होंगी। ए सुन के गुरु साहब ने पंडित दी असलियत पाप लई अते उसनु सलाह दिंदिया होया कहा कि महाराज, तुहाडे नालो वद सच्चा सुच्चा ते ज्ञानवान महापुरख होर किथे मिलेगा। तुसी ही अपनी बलि दे के देवी दे वरदान नाल अपनी सारी कुल ते जाति दा कल्याण क्यों नहीं कर लेंदे? तुहाडी कृपा नाल सानू भी देवी दे प्रतख दर्शन हो जाणगे। गुरु साहब दे ए बचन सुन के पंडित केशव दास रात पर सोचन दी मोहलत दा बहाना बनाउन लगा। गुरु महाराज, यदि आप मुझे एक रात का समय दें तो बड़ी कृपा होगी। अते गुरु साहब दी इजाजत मिल जान ते ओ उस रात ही हनेरे दा फायदा उठाउंदा होया उथों भज निकलिया। जिस दा पता लगन ते गुरु साहब ने सारी पूजा समग्री बल रहे हवन कुंड विच इकट्ठी सुट दिती, जिस नाल अग दियां एनियां उच्चियां लाटां निकलियां कि उस पहाड़ी इलाके विच दूर दूर तक चानण होण लगा। उस प्रचंड अग्नि दी लो विच खड़े गुरु साहब ने अपनी तलवार म्यान विचों बाहर कढ लई अते उसनू हवा विच लहराउंदिया होया कहा, यह है वह वरदान जो चंडी देवी ने मैनू बख्शा है। यही है चंडिका, भवानी, दुर्गा अते काली। यही सदा तो दुष्टां दा नाश करके संतां दी सहायता करन वाली है। कहा जांदा है कि इस घटना तो कुछ समा बाद एक वार कुछ कट्टर पंथियां दे संगत नाल पंगत विच बैठ के भोजन छकन तो इनकार कर देन ते गुरु साहब ने संगत दी महिमा बयान करदे होया कहा, युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा पुन धाम भरे, इन्हीं के प्रसाद सु विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नई मोस गरीब करोर परे।
सारी दुनिया दे सारे धार्मिक इतिहास विच शायद ही किते अजिही कोई होर मिसाल मिल सके जिथे एक गुरु ने अपनियां संगतां अते सेवकां नूं इन्ना उच्चा दर्जा देण दे नाल नाल उसते पूरी तरह अमल भी कीता होवे। इतिहासिक तथां मुताबक गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दे समय तो ही गुरु साहब दे मन विच सिखां नूं एक नवी पहचान देण दा जो विचार लगातार पनप रहा सी हुण उस नूं अमली रूप देण दा समा आ गया सी ताकि अगां वास्ते कदे भी कोई सिख अपनी होंद नूं किसे तों छुपा ना सके अते किसे भी तरह की चुनौती नाल हर तरह निजिठण दे योग बन सके। सिखां दी नवी पहचान किवें ते किही होवे इस बारे एक बहुत लंबे चिंतन दे दौरान जद गुरु साहब नूं उसे धर्म दे तमाम पहाड़ी राजियां दी ईरखा ते मुगलां नाल रल के कीते हमलियां दा सामना करना पिया जिन्हां दे धर्म दी रक्षा लई गुरु साहब दे पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दित्ती सी तां उन्हां ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि सिखां नूं एक अजिही नवी पहचान दित्ती जावे जिस नाल हुण तक सारे अंदरूनी फर्क भुला के एक दूजे दे समान हो जाण वाले सारे सिख बाहरी तौर ते भी सबना फर्कां ते भेदां तों मुक्त होके एक सार हो जाण दे नाल नाल पूरी तरह एक मुठ हो सकण अते सिखी दी शुरुआत तों चले आ रहे निर्मल पंथ दे हर सिद्धांत दी रक्षा लई उस नूं शस्त्रां दी मजबूत वाड़ दे जरिए पूरी तरह महफूज रखदे होए लोड़ पैण ते पूरी दलेरी नाल वड्डी तों वड्डी कुरबानी देण तों पिछे ना हट सकण। इस तरह बड़े लंबे समय तक हर पक्खों सोच विचार ते परख कर लैण मगरों सिखां दा काया कल्प करके उन्हां नूं जुझारू सिंघ बनाउण दा इरादा परपक्क हो जाण तों बाद गुरु साहिब 1699 दी विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब विखे वड्डी तादाद विच इकट्ठी होई सिख संगत दे सामने हथ विच तलवार लै के पंज सिरां दी मंग करदे होए इह ऐलान करन लगे कि जे इत्थे कोई अजिहा सिख मौजूद है जो अपने धर्म दी खातर अपनी जान वारण लई तैयार होवे तां उही उठ के अगे आवे। गुरु साहिब दी अजिही मंग सुन के घबराई हुई संगत दी मौजूदगी विच जद गुरु साहिब ने अपनी इस मंग नूं फिर दोहराया तां विसाखी ते इकट्ठी हुई संगत विचों वारी वारी पंज सिख गुरु साहिब दी मंग पूरी करन वास्ते अपना सिर देण लई अगे आए, जिन्हां विच सब तों पहलां लाहौर दे एक खत्री भाई दया राम, रोहतक दे एक जट भाई धर्मदास, जगन्नाथपुरी दे एक रसोईये भाई हिम्मत जी, द्वारका नगरी दे एक धोबी भाई मोकम चंद जी अते बिदर दे एक नाई भाई साहिब चंद जी शामिल सन। विसाखी दे मौके ते इन्ने वड्डे इकट्ठ विचों अपना सिर वारन लई अगे वधन वाले इन्हां पंजां सिखां नूं गुरु साहिब ने एक खास तरह दा पहरावा पहना के एक लोहे दे बाटे विच सतलुज दे पाणी अते माता जीतो जी दे पाए पतासियां नूं अपने खंडे नाल कोलण तों बाद पंज बाणियां दा पाठ करदे होया अमृत तैयार करके सारियां संगतां दी मौजूदगी विच उन्हां पंजां सिखां नूं उस इक्को बाटे विचों अमृत छका के पंज प्यारे थापण दे नाल नाल खालसे दी नींह रखदे होया अपने सिंह सजा दिता अते फिर उन्हां पंजां सिंघां दे समूह नूं गुरु दे ही बराबर दा दर्जा देण दे मकसद नाल गुरु साहिब ने उसे बाटे विचों अपने उन्हां पंजां प्यारां दे हत्थों आप अमृत छक के खालसे नूं सदा लई अपना रूप बख्श दिता। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले श्री आनंदपुर साहिब विखे 1699 दी विसाखी वाले दिन जिस पावन स्थान ते गुरु साहिब ने खालसे दी सिरजना कीती सी उस स्थान ते सुशोभित ए गुरद्वारा केशगढ़ साहिब अज भी सब नूं खालिस रहन ते खालिस बन दी प्रेरणा दे रहे हन। इत्थे ही गुरु साहिब ने हर तरह दे अंदरूनी अते बाहरी फर्कां नूं पूरी तरह मिटा के सिक्खी दे खालिस फौलाद विचों खालसे नूं तराशदे होया सिंघ सजा के वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह का बेमिसाल पाठ पढ़ाया सी, जिस दी अनहद गूंज अज भी गुरु घर दे चानन मुनारिया विचों लगातार सुनाई दे रही है। श्री आनंदपुर साहब विखे 300 साल पहला 1699 की विसाखी वाले दिन इसे पावन स्थान ते खालसा साजन तो बाद गुरु साहब ने अमृत छकन वाले सारे सिखां नू पंज कक्के केश कंगा कड़ा कछहरा ते किरपान धारण करन तो इलावा अपने नाव नाल सिंह अते बीबियां नू कौर शब्द लाउण दा निर्देश जारी करन दे नाल नाल खालसे नू शराब जां तंबाकू वर्गे नशियां दी सख्त मनाही कर दित्ती सी अते हर सिंह नू अदृश्य परमात्मा नू त्याउण दे नाल नाल बहादुरी नू अमन अते पवित्रता दी तरह अपने धर्म दा हिस्सा समझण दी तालीम भी दित्ती। इथों ही गुरु साहब ने सिखां नू सिंह सजा के उन्हां विच एक नवी रूह फूक देण तों बाद कई तरह दीआं तब्दीलियां दे निर्देश जारी कर दिते सन, जिन्हां मुताबक मसंद प्रथा नू खत्म कर दिता गया। एक दूजे नू मिलन वेले पैरी हथ लाउण दी थां हथ जोड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउणा शुरू कर दिता गया अते अमृत तैयार करन लई वरते जाण वाले पाणी नू गुरु साहिबान दे पैर दा अंगूठा छुहाउण दी पहलां तों चली आ रही रस्म दी थां हुण दो तारे खंडे दा इस्तेमाल कीता जाण लगा। इस तों इलावा सिंघां विच हर पक्खों बहादुरी अते शक्ति दा संचार करन लई गुरु साहिब ने होली दे पुरातन त्यौहार नू बहादुरी दे रंग विच रंगदे होया होला महला नाम दे के इस त्यौहार ते भी सिंघां विचकार जंगी खेडां खेडण दे सिलसिले दी एक होर शुरुआत कर दित्ती। गुरु साहिब दे विखाए मार्ग ते चलदे होए सिंह अज भी होले महल्ले दे त्यौहार ते जंगी खेडां खेडण विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदे हन। गुरु साहिब दी अगवाई विच सिंघां दे नवें जोश जंगी खेडां दे अभ्यास अते लगातार वध रही गिणती नू वेख के आस पड़ोस दे पहाड़ी राजा ने पहला नालों भी ज्यादा खतरा महसूस करना शुरू कर दिता अते गुरु साहिब दी दिन ब दिन वधदी हुई ताकत नू दबाउण लई मुगल हाकमां दे एह कह के कन्न भरने शुरू कर दिते कि गुरु साहिब शुरू तो ही मुगल राज दे विरोधी हन ते हुण ओह खालसा पंथ दे जरिए ऊंच नीच जात पात दे सारे फर्कां नू मिटा के वड्डी गिणती विच सिंघ तैयार करन तों बाद मुगल सल्तनत नाल टक्कर लैण लई आनंदपुर विखे कई किलियां दी उसारी करवाउण दे नाल नाल बड़े वड्डे पैमाने ते कई तरह दीआं जंगी तैयारियां करन विच लगे होए हन। बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आखिर मुगल हाकमां दे जरिए पहाड़ी राजे औरंगजेब दे कन्नां विच गुरु साहिब दे खिलाफ जहर भरन विच कामयाब रहे, जिस दे सिट्टे वजों दक्खण दीआं जंगां विच उलझे हुए औरंगजेब ने लाहौर अते सरहंद दे हाकमां दे जरिए शाही फौज उत्ते आउण वाला खर्च वसूल कर लैण दी शर्त दे आधार ते गुरु साहिब दे खिलाफ पहाड़ी राजां दी मदद लई शाही फौज भेजण दा हुक्म जारी कर दिता। शाही फौज को पहाड़ी राजाओं की मदद के लिए भेज दिया जाए। औरंगजेब दे हुक्म मुताबिक मुगल जरनैल पेंदे खां दे नाल दीन बेग सहित एक वड्डी मुगल फौज ने पहाड़ी राजा नाल मिलके आनंदपुर साहिब उत्ते चढ़ाई कर दित्ती। ये खबर मिलन ते गुरु साहिब ने अपने पंज प्यारियां नू अपनी फौज दे पंज जरनैल मुकर्रर करके जंग दीआं सारीआं तैयारियां मुकम्मल करदे होइआं खुद भी जंग विच हिस्सा लैण दा फैसला कर लिया। कहा जाता है कि आनंदपुर साहब लागे मुगल फौज नाल बड़ी भयंकर जंग लड़ी गई अते जद गुरु साहब दी कमान हेठ बहुत घट गिणती हुंदे होया भी सिंघां ने मुगल फौज दे पैर उखेड़ दिते तां अपनी फौज दा बड़े वड्डे पैमाने ते होया नुकसान वेखदे होए मुगल फौज दे जरनैल पेंदे खां ने गुरु साहब नूं उस नाल सिद्धा मुकाबला करन लई वंगारिया। अरे आओ, अगर अपनी बहादुरी पर इतना ही गुमान है तो मेरे सामने आओ और मुझसे मुकाबला करो। आओ,
मेरे सामने आओ। इस वंगार दे जवाब विच गुरु साहिब ने जंग दे मैदान विच पैंदे खां दे सामने जाके गुरु घर दी जंगी मर्यादा अनुसार उसनू पहला वार करन लई आख्या। ए मौका मिलदिया ही पैंदे खां ने अपने तीरां नाल गुरु साहिब नू निशाना बनाउण दा पूरा यतन कीता। आखिर पैंदे खां अपनी हर कोशिश विच नाकाम रहा, पर गुरु साहिब ने जवाबी हमले विच अपने एक तीर नाल ही पैंदे खां नू जंग दे मैदान विच ढेरी कर दिता। इस तो बाद दूजे मुगल जरनैल दीन बेग ने फौज दी कमांड संभाली ते कमसान दी जंग दे दौरान सिंघां दा पलड़ा भारी हुंदा वेख पहाड़ी राजां दी फौज मैदान छड़ के भज निकली, जिस दे नतीजे वजो मुगल फौज दे हौसले होर भी पस्त हो गए। आखिर बहुत वड्डे पैमाने ते जान माल दा नुकसान करवा लैण तो बाद बुरी तरह जख्मी होए दीन बेग नू अपनी फौज समेत मैदान छड़ के भजना पिया। गुरु साहिब दी अगवाई विच इस जित ने सिंघां दे हौसले होर भी बुलंद करन दे नाल नाल आनंदपुर साहिब विखे कई तरह दे जंगी हथियार बनाउण दे सिलसिले दी शुरुआत कर दित्ती, ताकि अगां वास्ते किसी भी हमलावर दे हमले दा इस तों भी होर टुकवां मूंह तोड़ जवाब दित्ता जा सके। लिहाजा पहाड़ी राजियां अते मुगलां दे एके तों पेश आउण वाले खतरियां नूं भांपदे होया गुरू साहिब ने सिंघां नूं वधिया घोड़े ते जंगी हथियार गुरू घर नूं भेट करन दे निर्देश फेर जारी कर दित्ते, जिस दे फलस्वरूप आनंदपुर साहिब विखे बहुत सारे दलेर सिंघां समेत वड्डी मात्रा विच जंगी हथियारां अते घोड़ियां दी भेटा आउणी शुरू हो गई। सिंघां दीआं इन्हां जंगी तैयारियां नूं किसे ना किसे तरीके नाल ठल पाउण वास्ते पहाड़ी राजियां ने एकजुट हो के मुगलां तों फेर फौजी मदद मंगण दे नाल नाल गुरु साहिब लई इह धमकी भरिया सुनेहा भी तैयार करवा दिता कि जां तां गुरु जी आनंदपुर साहिब छड देण जां नगर दी आबादी वाली सारी जगह दा शुरू तों लै के हुण तक दा किराया ते कर अदा करके अगां वास्ते भी अदा करना कबूल कर लैण, नहीं तां उन्हां दी सांझी फौज दे हमले दा सामना करन लई तैयार हो जाण, वरना हमारी सांझी सेना का मुकाबला करने की तैयारी करे। गुरु साहिब ने पहाड़ी राजां दे इस धमकी परे सुनेहे दे जवाब विच उन्हां नू अपना ए सुनेहा भिजवा दिता कि जिस धरती उपर आनंदपुर नगर वसिया होया है उस धरती दा पूरा मुल अदा करन तो बाद ही उन्हां दे पिता जी ने आनंदपुर साहिब दी नींह रखी सी, लिहाजा किसी भी तरह दा किराया जां कर देण दा कोई सवाल ही नहीं पैदा हुंदा, पर जे फिर भी उन्हां उपर चढ़ाई कीती गई ता उन्हां नू अपना बचा करना अते ताकत दे नशे विच अन्ने होए हमलावरां नू सही रस्ता विखाउणा भी आउंदा है। गुरू साहिब दे जवाब तो भड़के होए पहाड़ी राजा ने एकजुट हो के आनंदपुर साहिब उत्ते तावा बोल दिता। पर दुश्मनां दे इस सांझे हमले नू भी सिंघां ने अपनी बहादुरी दे जौहर विखाउंदे होया पूरी तरह नाकाम कर दिता। इस तरह लगभग 2 महीनियां तक कई हमले नाकाम हो जाने तो बाद आखिर पहाड़ी राजा ने आनंदपुर साहिब दे किले विच दाखिल होण लई एक मस्त हाथी तो किले दा दरवाजा तोड़वाउण दी कोशिश भी कीती, पर गुरु साहिब दे हुक्म ते उन्हां दे बहादुर योद्धे भाई बचित्र सिंह ने अपने बरछे नाल उस हाथी नू जख्मी कर दिता, जिस दे नतीजे वजो उह हाथी चिंगाड़ा मारदा होया दुश्मन दी फौज विच जा वड़िया ते उन्हां दे बहुत सारे फौजी उस जख्मी हाथी हेठ आके मारे गए। पर जद गुरु साहिब दे एक होर योद्धे भाई उदय सिंह ने पहाड़ी फौज दी अगवाई कर रहे राजा केसरी चंद दा सिर कलम कर दिता ता पहाड़ी फौज दे हौसले पूरी तरह पस्त हो गए अते पहाड़ी राजा ने गुरु साहिब नाल निजिठण दी एक नवी योजना तैयार कर ली। इतिहासकारा मुताबक आखिर पहाड़ी राजा ने एक सोहा भरिया खत लिख के गुरु साहिब अगे ए गुजारिश की थी कि जे ओ कुछ समय लई आनंदपुर साहिब दा किला छड़ के किते होर चले जान ता पहाड़ी राजे
अपनी परजा नू मुंह वखाउण दे लायक रह जाणगे। आपके इस सहयोग के लिए हम सब आपके सदैव आभारी रहेंगे। उन्हां दे इस खत अते कसमां ते यकीन ना होण दे बावजूद गुरु साहिब अपने सिंघां दा मशवरा मानदे होए आनंदपुर साहिब दे नजदीक ही कुछ समय लई निर्मोही नामक स्थान ते जाना मंजूर कर लैण तो बाद सिंघां दे एक फौजी जथे समेत निर्मोही लई रवाना हो गए। गुरु साहिब दे निर्मोही जाण दी खबर मिलण ते पहाड़ी राजा ने अपनियां सारियां कसमां तोड़ के गुरु साहिब उत्ते हमला कर दिता। जिस दे जवाब विच निर्मोही दे उच्चे टिल्ले ते बनी हुई एक कच्ची गड़ी विचों गुरु साहिब अते उन्हां दे सिंघां ने पहाड़ी फौज दे हमले दा मुंह तोड़ जवाब दिंदे होयां डट के मुकाबला कीता। हालांकि इस दौरान पहाड़ी राजा ने एक निशानेबाज पठान दे जरिए गुरु साहिब नू उस दी गोली दा निशाना बनवाउण दी कोशिश भी कीती। उस पठान दी गोली नाल गुरु साहिब दी थां उन्हां दा एक सिंह मारिया गया। इस जंग दे दौरान अपनी बंदूक भरदे होए उस निशानेबाज पठान नू अपने तीर दा निशाना बना के गुरु साहिब ने उत्थे ही ढेरी कर दिता। इस तरह पहाड़ी फौज नू फेर मूंह दी खानी पई। इस जंग तो बाद भी पहाड़ी राजा ने सरहंद दे नवाब वजीर खान नाल मिलके एक होर साजिश दे तहत अपने 94 सिंघां समेत बसाली जांदे होए गुरु साहिब ते अचानक हमला करके फिर अपनी वादा खिलाफी ते बदनीति दी हर हद पार कर दित्ती। पर जद गुरु साहिब ते उन्हां दे योद्धे सिंह दुश्मन फौज दे हमले दा मुंह तोड़ जवाब दिंदे होए सतलुज दरिया पार कर गए ता छेती पिछे मुड़न दे चाहवान दगाबाज वजीर खान नू पहाड़ी राजा ने शुकराने दे तौर ते बेशकीमती तोहफे दे के विदा कर दिता। बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ी राजा दी इस वादा खिलाफी तो बाद छेती ही गुरु साहिब अपने सिंघां समेत आनंदपुर साहिब वापस परत आए अते उन्हां ने पहाड़ी राजां दी सुलहनामे दी सांझी पेशकश मंजूर करदे होयां गुरु घर दी जंगी मर्यादा अनुसार अमन दी खातर एक वार फिर उन्हां नूं माफ कर दिता, जिस दे परिणाम स्वरूप इस जंगी इलाके विच कुछ समय लई शांति वरत गई। गुरु साहिब ने इस दौरान संगतां नूं सिक्खी दे रूहानी उपदेशां दे नाल नाल भविख विच आउण वाले खतरियां दा मुकाबला करन लई जंगी तालीम देण दा सिलसिला भी जारी रखिया। उन्हां ने सारियां सिख संगतां नूं सारे वितकरियां तों उतां उठ के सारी मनुख जाति नूं इक समान समझण दा उपदेश देण तों इलावा गुरु का लंगर वरतौण वाले सिखां नूं गरीब दा मूंह गुरु की गोलक कह के किसी भी तरह दे वितकरे जां टाल मटोल ना करदे होए गुरु का लंगर छकण दे हर चाहवान नूं तुरंत लंगर छकाउण दी ताकीद भी कीती। इस तरह एक पासे गुरु घर विखे मानवता दा सर्वोत्तम पाठ पढ़ाया जा रहा सी अते दूजे पासे साजिशां दा सिलसिला पहला वांग ही जारी सी। हाँ, और जब वो सब हमारे सुलहनामे के प्रस्ताव के बाद बेफिक्र हो जाएंगे। इस बार
हम उन्हें सदैव के लिए बेफिक्र कर देंगे और खुद भी बेफिक्र हो जाएंगे। वाह, इन्होंने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वाकई वाकई वाकई, सही बोलते हैं आप। हिंदुस्तान दे इतिहास विच ईर्खा, पक्षपात, दगाबाजी ते द्वैत दियां बहुत सारियां शर्मनाक मिसालां दे मुकाबले विच पहाड़ी राजां दियां अंतहीन दोगलियां करतूतां तो ज्यादा शर्मनाक शायद ही कोई होर मिसाल मिल सके, क्योंकि मुगल हाकमां दे जबर तो जिन्हां दे धर्म दी रक्षा लई गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दित्ती सी, उसे धर्म दे तमाम पहाड़ी राजे इकट्ठे होके गुरु गोबिंद सिंह जी दा साथ देन दी बजाए मुगलां नाल मिलके हर वेले गुरु साहिब नूं मिटाउण दीआं साजिशां विच ही मसरूफ सन। मानवता दे इतिहास विच अकृत कण ते इखलाकी तौर ते गरीब राजां दी अजिही मिसाल किते विरली ही मिलेगी, जिन्हां ने कदे तां सईद बेग अते अलिफ खान वर्गे मुगल जरनैलां नूं लालच दे के गुरु साहिब ते हमले करवाए अते कदे आप 10-10 हजार सैनिकां दी फौज लैके आनंदपुर साहिब ते चढ़ाई करदे रहे, पर उन्हां विचों कदे किसे इक नूं भी गुरु साहिब दी महिमा तो निहाल हो के गुरु नूं समर्पित हो जाण वाले मुगल जरनैल सईद बेग दे सच्चे एहसास तो कोई सिख्या न मिल सकी। आखिर गुरु घर दे वैर पए हुए इन्हां पहाड़ी राजां दियां लंबे समय तो लगातार कीतियां हुईयां साजिशां दे परिणाम स्वरूप जरनैल सईद खान दी कमान हेठ एक वड्डी मुगल फौज ने पहाड़ी फौज समेत गुरु साहिब नूं शिकस्त देण लई आनंदपुर साहिब ते चढ़ाई कर दित्ती। गुरु साहिब ने इन्नी वड्डी फौज दा मुकाबला करन लई अपने पास मौजूद सिर्फ 500 सिंघां दी फौज नूं जंग दा पाठ पढ़ाउंदे होया इह कह के हौसला दित्ता कि आखर नूं जंग विच हथियार जां फौज दी वड्डी छोटी गिणती नहीं, मनुख दा दिल ही जितदा जां हारदा है, अते जो सच दी खातर लड़दा है रब भी हमेशा उसे दे नाल हुंदा है। गुरु साहिब तो अजिही जंगी प्रेरणा लै के गुरु दे सिंह जंग दे मैदान विच हर पक्खों नित्तर के सामने आए। इस जंग दे दौरान गुरु साहिब दा मुरीद बन के सिख फौज विच शामिल होने वाला मुगल जरनैल सईद बेग भी दुश्मनां दे आहू लौंदा होया धोखे नाल मुगल जरनैल दीन बेग दे हत्थों मारिया गया। इस घमसान जंग दे दौरान मुगल फौज दी तुलना विच बहुत घट गिनती होने दे बावजूद सिंघां नूं पूरी दिलेरी नाल ढुकवीं टक्कर लैंदे वेख के मुगल जरनैल सईद खान ने गुस्से विच बेकाबू हुंदे होए गुरु साहिब नूं आमो सामने होके उस नाल युद्ध करन लई वंगारिया। तां गुरु साहिब उस दी इह ख्वाहिश पूरी करन लई उस दे सामने जा पहुंचे, पर जद सईद खान ने गुरु साहिब दे जलाल ते नूरानी शख्सियत दा दीदार कीता तां ओह गुरु साहिब ते पहला वार करन दी बजाए उन्हां नूं ही पहला वार करन लई आखण लगा, अब बेहतर यही होगा कि पहले आप मुझ पर वार करें, फिर मैं आप पर वार करूंगा। जिस दे जवाब विच गुरु साहिब ने उस नूं गुरु घर दी जंगी मर्यादा नाल अवगत करांदे होया कहा कि असीं कदे भी किसे ते पहला वार नहीं करदे, वार दा जवाब दिंदे हां। साडी मर्यादा अनुसार जे तुसीं मेरे उत्ते पहला वार नहीं करोगे तां फिर मैं तुहाडे उत्ते किवें वार कर सकदा हां। गुरु साहिब दे मुख तों अजिहे बचन सुणदिआं सार ही मुगल जरनैल सईद खान जज्बाती हुंदा होया गुरु साहिब दे चरणी पै गया। ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਰਨੈਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। इतिहासिक तथ्यों मुताबक बहुत घट गिनती के बावजूद भी इस खूनी जंग विच आखिरकार सिंघा ने जित हासिल कर ली सी। इस दौरान जब दखन दिया जंगा विच उलझे हुए औरंगजेब नू इन्नी वड्डी मुगल फौज के हार जाण की खबर मिली तो उसने गुरु साहब नाल नजिठण लई अपने सलाहकारां नू बुला के एक होर नवी व्योत बना लई। आप लोगों के मशवरे के मुताबिक अगर यही मुनासिब है तो हम ये भी आजमा के देख लेते हैं। आप आगे लिखिए, लिहाजा आपके लिए यही मुनासिब होगा कि आप हुकूमत के मातहत रहना कबूल कर लें और अपनी तमाम शिकायतों का हल तलाश करने के लिए हमसे आकर मिलें, वरना शाही फौज के हमले के लिए तैयार रहें। औरंगजेब दे इस धमकी परे सद्दे नू नामंजूर करदे होया गुरु साहब ने बादशाह नू ए पैगाम भिजवा दिता कि ओ ता सिर्फ इको अकाल पुरख दी बादशाहत विच यकीन रखदे हन जो सदा अटल है, सर्वशक्तिमान है अते मैं ही नहीं इस दुनिया दा हर वड्डे तो वड्डा बादशाह भी उस एक दे अधीन है, लिहाजा साडे विचकार सुलह नामे दी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि इस तो बाद आनंदपुर साहब ते होने वाले हमलों का दौर कुछ समय लिए रुक गया सी, पर गुरु साहब ने इस वक्फे नूं किसी भयानक तूफान के आने तो पहलां दा सन्नाटा समझ के सिंघां नूं लगातार शस्त्र अभ्यास करवाउण दे नाल नाल हमलावरां नाल नजिठण लई जंगी तैयारियों का सिलसिला जारी रखिया। आखिर उस समय गुरु साहिब दा अंदेशा पूरी तरह सही साबित होया जद पहाड़ी राजां दा आगू अजमेर चंद औरंगजेब नू गुरु साहिब दे खिलाफ पड़का के जरनैल वजीर खान दी कमान हेठ वध तो वध मुगल फौज दे नाल आनंदपुर साहिब ते हमला करन दा हुक्म जारी करवाउण विच कामयाब हो गया। कि वजीर खान की कमान में बड़ी से बड़ी तादाद में मुगल और पहाड़ी फौज मिलकर उन पर हमला कर दे ताकि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, हमारे हुक्म की तामील हो। औरंगजेब दे हुक्म मुताबिक गुरु साहिब नाल एक अंतिम ते निर्णायक जंग लड़न दा पक्का इरादा बना के पहाड़ी राजां दियां फौजां समेत एक बहुत वड्डी मुगल फौज ने आनंदपुर साहिब ते चढ़ाई कर दिती। दुश्मन फौज की चढ़ाई की खबर मिलन ते गुरु साहब ने दुश्मनों का डट के मुकाबला करने वास्ते सिंघा नू आनंदपुर साहब के वख वख किलिया ते मोर्चियां उत्ते तैनात हो जाने का हुक्म दे दिता। लिहाजा सिंघा ने किले में बीड़िया हुई अपनी तोपां राही हमलावर फौज नू अपनी रणनीति बदलन ते मजबूर कर दिता। इस भयानक जंग के दौरान जख्मी योद्धा नू पानी पिउण दी सेवा ते लगे हुए एक सेवा पंथी सिख भाई कन्हैया जी नू अपने बेगाने दा फर्क कीते बगैर दोनों धिरां दे जख्मी योद्धा नू पानी पिउंदे वेख कुछ सिंघां ने गुरु साहिब कोल भाई कन्हैया जी दी शिकायत जा कीती अते जद गुरु साहिब ने भाई कन्हैया जी नू तलब करके उन्हां उपर सिंघां वल्लों लाए गए इल्जाम बारे पुछया तां भाई कन्हैया जी ने
ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਘੜੀ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਮ ਹੁਕਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿਲੇ ਕੀ ਫੌਰਨ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਬਚਦਾ ਵੇਖ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਜਦ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਪਸਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਦੀ ਸੌਗੰਧ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
एक बार आनंदपुर साहिब दा किला छड़ के किते होर चले जान ता मुगल फौज भी उन्हां नूं किसे तरह दा नुकसान पहुंचाए बगैर ही वापस परत जाएगी अते उस तो बाद गुरु साहिब अपनी मर्जी मुताबक जद भी चाहुण किले विच मुड़ के आ सकदे हन। दुश्मनां दी इस पेशकश नूं कबूल करन लई गुरु साहिब दे माता जी समेत सबना सिंघां वल्लों पुरजोर बेनती कीते जाण ते गुरु साहिब ने ना चाहुंदिआं होइआं वी दुश्मनां दी इस बदनीति भरी पेशकश नूं अजमाउण लई रात दे हनेरे विच कई गड्डियां ते टुट्टिआ भज्जिआ समान लद के उन्हां नूं किले विचों बाहर नूं रवाना कर दिता अते गड्डियां दे उस काफले नूं नगर तों बाहर जांदा वेख के मुगल फौज ने धावा बोल दिता पर उन्हां गड्डियां विचों दुश्मनां दे हथ सिर्फ टुट्टिआ भज्जिआ सामान ही लग सकिआ। दगाबाज दुश्मनां दी इस आजमाइश तों बाद गुरु साहिब ने किले विच मौजूद सारे योधे सिंघां नूं इक वार फिर समझाया कि मौजूदा हालात नूं वेखदे होइआं किले विचों बाहर ना निकलना ही उन्हां लई मुनासिब रहेगा। इसे दौरान कुछ समय बाद औरंगजेब ने अपनी फौज दी घिनौनी हरकत ते अफसोस जाहिर करदे होए अपने हथ लिखित खत राही कुरान शरीफ दी कसम खा के गुरु साहिब नूं पूरा यकीन दिलाउण लई ए वादा कीता कि जे गुरु साहिब इस वार किला छड्ड के चले जांदे हन तां मुगल फौज उन्हां दे खिलाफ किसी भी तरह दा कोई कदम नहीं चुकेगी। मुगल बादशाह दी इस पेशकश दे आधार ते भुख प्यास नाल बेजार हो चुके सिंघां समेत माता गुजरी जी ने भी अपनियां पुरजोर बेनतियां राही गुरु साहिब नूं किला छड्ड देण लई राजी कर लिया अते सन 1704 नूं दिसंबर दी सर्द हनेरी रात विच गुरु साहिब ने अपने सिंघां दीआं वक्खो वक्खरीआं सैनिक टुकड़ियां बना के अपने सारे परिवार नूं नाल लैंदे होइआं आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड दिता। इस वार भी मुगलां ने अपनियां कसमां तोड़ के गुरु साहिब दा पिछा कीता अते सरसा नदी दे किनारे जिस स्थान ते मुगलां नाल होई कमसान दी जंग दे दौरान गुरु साहिब दा सारा परिवार उन्हां नालों विछड़ गया सी उस स्थान ते स्थापित ए गुरद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब अज भी उस दर्दनाक विछोड़े दी गवाही दे रहे हन। इस विछोड़े तो बाद माता गुजरी जी दोनों छोटे साहबजादियां समेत कोई सुरक्षित थां दी भाल करन दे दौरान अपने एक पुराने रसोईए गंगू दे मिल जाण ते उस दी बेनती मन के कुछ समा खेड़ी पिंड विच उस दे घर ठहरण लई राजी हो गए जदके इस स्थान ते मुगलां नाल होण वाली भयानक जंग विच हमलावर फौज नूं ठल पाई रखण लई गुरु साहिब ज्यादातर योध्यां नूं पिछे छड़दे होए सिर्फ 40 सिंह अपने नाल लै के चमकौर साहिब वल रवाना हो गए। जिथे पहुंचन तो बाद उन्होंने चौधरी बुद्धि चंद की बेनती प्रवान करके उसकी एक किले नुमा हवेली नू अपना टिकाणा बनाउण तो बाद उन्हां दा पिछा करदी हुई मुगल फौज दे उत्थे पहुंच जाण ते इसे हवेली विचों दुश्मनां दी बहुत वड्डी फौज दा सिर्फ 40 सिंघां दी अगवाई करदे होए पूरी तरह डट के मुकाबला कीता अते चमकौर साहिब विखे लड़ी गई इस इतिहासिक जंग विच गुरु साहिब दे दोनों वड्डे सुपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह अते साहिबजादा जुजार सिंह भी अपनी छोटी जही उम्र दे बावजूद पूरी बहादुरी नाल दुश्मनां दा मुकाबला करदे होए सिख कौम दे सिदक दी रक्षा लई शहीद हो गए।
चमकौर साहिब विखे उस इतिहासिक जंग वाले स्थान ते स्थापित एक गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब अज भी सानू दोहां वड्डे साहिबजादियां ते जांबाज सूरमे सिंघां दी बहादरी ते शहादत दे नाल नाल गुरु साहिब अते गुरु दे सिखां सामने पेश आई उस निर्णायक कड़ी दी गवाही दे रहे हन। इस स्थान ते गुरु साहिब दे नाल आउण वाले 40 योद्धां विचों सिर्फ कुछ सिंघां नूं छड्ड के बाकी सारे जंग दे मैदान विच गुरु साहिब दी 1.25 लाख से एक लड़ाऊ जही कथनी नूं करनी विच तब्दील करदे होए वैरियां दे आहू ला ला के शहीद हो गए। इस इतिहासिक स्थान ते जिथे एक गुरुद्वारा गढ़ी साहिब स्थापित हन इथे ही उस रात गढ़ी विच बच रहे कुछ सिंघां ने सिख कौम दी सरपरस्ती नूं बरकरार रखण लई गुरु साहिब नूं खुफिया ढंग नाल इथों किसे होर सुरक्षित थां ते चले जाण दी सलाह दिंदे होया उन्हां अगे पुरजोर बेनती करनी शुरू कर दित्ती। पर जद गुरु साहिब अपने सिंघां नूं पिछे छड्ड के इथों जाण लई किसे भी तरह राजी ना होए तां उन्हां सिंघां ने अपनी कोई वाह ना चलदी वेख इसे ही स्थान ते गुरु साहिब अगे हथ बन के बेनती करदे होया पंज प्यारे साजन वेले गुरु साहिब दा ही दित्ता होया ए उपदेश दोहराया कि जिथे भी किते पंज सिख इकट्ठे हो के सच्चे मन नाल कदे भी कोई फैसला करया करनगे तां उन्हां पंजां विच सतगुर दा वास होवेगा अते उन्हां पंजां प्यारियां दा पंथ दे रूप विच कीता होया हर फैसला गुरु दा ही फैसला मन्या जावेगा। लिहाजा इत्थे मौजूद सिंघां ने पंज प्यारियां दे रूप विच इक मत हो के अपने गुरु दे सामने गुरु दा ही दर्जा अख्तियार करदे होया गुरु साहिब नूं चमकौर दी गढ़ी छड्ड के चले जाण दा हुक्म कर दिता। जिस दे परिणाम स्वरूप ना चाहुंदे होया भी गुरु साहिब नूं मजबूरन अपने जांबाज प्यारे सिंघां नूं पिछे छड्दे होया रात दे हनेरे विच गढ़ी तों कूच करना पिया अते ओह पैदल ही माछीवाड़े दे जंगलां वल रवाना हो गए। उधर दूजे पासे गंगू पंडित ने मुगल हुकूमत तों किसे वड्डे इनाम दे लालच विच उस दे घर ठहरे होए माता गुजरी जी समेत दोहां छोटे साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करवाउण लई गुरु घर नाल पिछलियां सारियां सांझां तों मूंह मोड़ के मुगल हाकमां कोल उन्हां दी मुखबरी जा कीती। हुजूरे आला, उनकी माता जी और दोनों छोटे साहिबजादे इस वक्त मेरे ही घर में मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो मुनासिब इनाम की रकम के बदले उन्हें अभी हिरासत में ले सकते हैं। अगर तुम्हारी खबर सच निकली तो तुम इनाम की बिल्कुल फिक्र मत करो। जिस दे आधार ते सरहंद दे कोतवाल ने दोहां साहिबजादियां नूं बंदी बना के सूबेदार वजीर खान दी कचहरी विच पेश कर दिता अते जद हर तरह दे लालच फरेब ते डरावियां तों बाद भी छोटी जही उम्र दे साहिबजादियां ने इस्लाम कबूल करन तों साफ इनकार कर दिता तां सरहंद दे सूबेदार वजीर खान ने अपनी रियासत दे एक काजी नाल मिल के दोहां साहिबजादियां नूं कसूरवार ठहराउंदे होए सरेआम जिउंदे जी दीवार विच चिनवा देण दा हुक्म जारी कर दिता जिस दे विरोध विच मलेरकोटला दे नवाब तों सिवा होर किसे ने कोई भी आवाज ना उठाई अते मुगल हुकूमत दे अहुदेदारां ने वजीर खान दे इस गैर इंसानी हुक्म दी तामील करदे होए निक्के निक्के दोहां साहिबजादियां नूं जिउंदे जी दीवारां विच चिनवा के निर्दयता दीआं सारीआं हद्दां तोड़ दित्तीआं। पर दीवारां विच चिणे जाण वेले भी दोहां साहिबजादियां ने अपने आत्मविश्वास अते सिदक ते पूरी तरह अटल रहिंदे होया श्री गुरु नानक देव जी दे विखाए होए सिक्खी दे विलखण मार्ग ते चलदियां होया सारे गुरु साहिबान दे जप तप त्याग ते कुरबानियां परे गौरवमई इतिहास विच अपनी बेमिसाल शहादत दे जरिए सदा लई एक अजिहा सुरख पन्ना जोड़ दिता जिथे आके रहिंदी दुनिया तक आने वाली सदियां भी गए वक्तों दियां अजिहियां गैर इंसानी ना इंसाफियां नूं वेख वेख के सदा अपने आप ते शर्मसार हुंदियां रहणगियां। दोहां छोटे साहिबजादियां दी शहादत वाले उस स्थान ते स्थापित
एक गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब दोहां साहिबजादियां दी उस महान शहादत दे सूचक हन अते ए अज भी सानू उन्हां दे ही वांग अपने सिदक ते सदा अटल रहन दी प्रेरणा दे रहे हन। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪਠਾਨ ਇਤਫਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਢੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਵਿਤਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੁਦ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਇਆ ਦਾ ਓਡਨ ਤੁਦ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਇਆ ਦਾ ਓਡਨ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ
जंग कसाया दसेना, बिंग कसाया दसेना, मित्र प्यार नू हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यार मित्र प्यारे यारड़े दासानू सत्थर चंगा, यारड़े दासानू सत्थर चंगा, पठ खेड़े आदा रेना, पठ खेड़े आदा रेना, मित्र प्यारे हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यारे मित्र प्यारे। गुरु साहब दे माछीवाड़े दे जंगलां विच पहुंच जाण तो बाद चमकौर दी गड़ी नू घेरी बैठियां मुगल फौजां नू गुरु साहब दे गड़ी छड़ के चले जाण दा पता लगण ते मुगल फौजां गुरु साहब दा पिछा करदियां होईयां उन्हां नूं हर पासे तलाश करन लगियां। मुगल फौज दे पिछा करन दी खबर मिल जाण ते माछीवाड़े विखे इस स्थान ते मौजूद गुरु साहब ने नबी खान ते गनी खान तो इलावा इत्थे मौजूद कुछ सिंघां दी पुरजोर बेनती कबूल करदे होईयां उच्च दे पीर दा भेस धारण करके ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲਾਨਤ ਪਾਈ। ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਯਾਨੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਤਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਯਕੀਨ 'ਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ, ਉਸ ਦਾ ਦੰਡ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਛਣ ਪੰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
उसने कल खाली भी जरूर होना है, पर तेरे वर्गे धार्मिक कट्टरता दे रोग नाल दृष्टिहीन होए हुक्मरान अपने ही हथी अपनी सल्तनत नू जड़ों नष्ट कर देंदे हन। कोई बुरी खबर है आलमपना? ये खत यहां तक लाने वाले कासिद को हमारे सामने हाजिर किया जाए, हम उनके गुरु से मिलना चाहते हैं। कहा जाता है कि विस्तार विच लिखे हुए गुरु साहब दे जफरनामे नू पढ़ लेन तो बाद औरंगजेब ने गुरु साहब नाल मुलाकात करन दी इच्छा तां जाहिर की थी सी, पर उसकी ये ख्वाहिश कुछ एक सियासी ते कुदरती कारण वजों पूरी ना हो सकी। इस दौरान गुरु साहब नू हर पासे पाल रही दुश्मन फौज नाल टक्कर लैन लई मर्दाना पेस विच माई भागो समेत होर बहुत सारे सिंह गुरु साहब दी खातर अपनिया जाना वार देन लई अपने अपने घरां तो रवाना हो गए। इन्हां सिखां विच अजिहे कई सिंह भी शामिल सन जो आनंदपुर साहब दे किले विच गुरु साहब नू बेदावा लिख के दे आए सन ते हुण उस बेदावे वाली भुल नू बख्शाउण लई सिरां ते कफन बन के अपने घरां तो निकले सन। उधर जद मुगल फौज गुरु साहब दा पीछा करदी होई खिदराने दी टाव वाले स्थान ते पहुंची तां माई भागो दी अगवाई हेठ गुरु साहब दी हिफाजत लई अपने सिरां ते कफन बन के निकले होए गुरु दे ओ सारे सिंह मुगल फौज नू किसे भी तरह राह विच ठल पाउण वास्ते आखरी दम तक डट के मुकाबला करदे होए एक एक करके शहादत पा गए। कहा जांदा है कि इस स्थान ते जिथे अज गुरद्वारा टिब्बी साहब स्थापित हैं इसे स्थान ते उस समय बनी हुई एक टिब्बी तो गुरु साहब माई भागो अते जुझारू सिंघां नाल लड़दी हुई 10,000 दी मुगल फौज नू अपने तीरां दा निशाना बनाउंदे रहे सन। आखिर पानी दी पाल विच मुगल फौज दे वापस परत जाण तो बाद जिस समय गुरु साहब उन्हां दी हिफाजत लई अपनियां जाना वार देण वालियां सिंघां नू पछाणन दी कोशिश करन लगे तां सिर्फ भाई महा सिंह ते माई भागो दे ही साह वग रहे सन। अते जद अपने सिंघां दी इह सुरम गति तो निहाल हो के गुरु साहब ने कुछ मंगण लई कहा तां भाई महा सिंह जी ने टुटदे हुए साहां नाल गुरु साहब अगे तरला करदे होयां बेनती कीती कि हे सच्चे साहब जे तुसी कुछ बख्शना ही चाहुंदे हो तां मेरी यही अरदास है कि मेरियां नज़रां दे सामने उस बेदावे नूं फाड़ देवो जिस नूं मैं ते मेरे कुछ निमाणे साथी सिंह आनंदपुर साहब विच आप जी नूं लिख के दे आए सी। उसे बेदावे दी शर्मिंदगी ते लानत दे दागां नूं असीं सारिआं ने अपने खून दे नाल धोण दा पूरा यतन कीता है। भाई महा सिंह दी इह बेनती सुण के गुरु साहब ने उस बेदावे नूं भाई महा सिंह दीआं नज़रां दे सामने ही फाड़ के उन्हां सारिआं नूं 40 मुक्तियां दे नाम नाल निवाज दिता अते इसे करके खिदराने दी टाब दा नाम मुक्तसर पै गया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा खालसा मेरो
जंग वाले उस पवित्र इतिहासिक स्थान ते बने हुए ए गुरुद्वारा टुटी गंडी साहिब अज भी उन्हां 40 मुक्तियां दी मुक्ति अते महान गुर भगती दे सूचक हन। कहा जाता है कि खिदराने दी टाव वाली इस जगह ते हुई कमसान जंग विच सिर्फ एक माई भागो ही जीवित बचे सन जो गुरु साहिब ते गुरसिखां दी तीमारदारी नाल पूरी तरह ठीक हो जाण तो बाद काफी समय तक गुरु घर दी सेवा विच पूरी तरह समर्पित रहे। मुक्तसर तो चल के गुरु साहिब तलवंडी साबो पहुंचे जिथे उन्होंने लगभग 3 साल तक निवास किया, जिस करके आज तक इस स्थान नू दमदमा साहिब दे नाम नाल जाने जाता है। दमदमा साहिब विखे अपने निवास दौरान जद गुरु साहिब ने तीरमल तो आदि ग्रंथ साहिब दी भाई गुरदास वाली बीड़ मंगवानी चाही तो उसके ताना दे के बीड़ देन तो इनकार कर देन ते गुरुद्वारा लिखणसर साहिब वाले इस स्थान ते गुरु साहिब ने भाई मणि सिंह जी तो सारा आदि ग्रंथ गुरु तेग बहादुर जी की बाणी सहित शुरू तो अंत तक दोबारा लिखवाया सी। दमदमा साहिब विखे लिखवाई गई गुरु ग्रंथ साहिब दी उस बीड़ नू दमदमे साहिब वाली बीड़ दे नाम नाल जाना जाता है अते ए भी कहा जाता है कि अंत तक यही बीड़ गुरु साहिब दे नाल रही जिस नू उन्होंने गुरु पदवी बख्शी सी। इतिहासकारा मुताबक जद माता जीतो जी अते माता साहिब कौर जी ने दमदमा साहिब वापस परतन ते अपने चौहां मासूम बच्चों बारे जानना चाहिया तां गुरु साहिब ने इत्थे मौजूद संगतां वल इशारा करदे होया ए फरमाया, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। दमदमा साहिब विखे गुरु जी की मौजूदगी समय एक बार फिर आनंदपुर साहिब की तरह ही सिख संगतां इकट्ठियां होण लगियां। गुरु साहिब ने इस धरती नूं विद्या का महान स्थान होण दा वर भी दिता, जिस दे आधार ते दमदमा साहिब नूं गुरु की काशी भी कहा जाता है। तकरीबन 3 साल तक इसे स्थान ते निवास के दौरान गुरु साहिब नूं मिलण लई औरंगजेब का दूसरा पैगाम भी मिलिया, जिस ते काफ़ी विचार करन तो बाद गुरु साहिब औरंगजेब नूं मिलण तो इलावा अपने कुछ होर अहम कारजां नूं अंजाम देन दे इरादे नाल इस स्थान तो कुछ सिंघां समेत दक्खण वल रवाना हो गए। पर गुरु साहिब नूं रस्ते विच ही औरंगजेब दी मौत दी खबर मिलण ते ओ वापस परत गए अते ए इतिहासिक मुलाकात मुमकिन न हो सकी। कहा जांदा है कि औरंगजेब दी मौत तो बाद शाही तख्त हासिल करन लई उस दे पुत्रां विचकार जंग छिड़ गई अते आखिरकार औरंगजेब दा वड्डा पुत्र बहादुर शाह इस जंग नूं जित के शाही गद्दी हथियाउण विच कामयाब हो गया। हालांकि उस नूं औरंगजेब दा विरोधी होण करके पहला भी अपने पिता तो काफी तसीहे मिल चुके सन। या अल्लाह मुझ पे रहम कर, इस जहन्नम से मुझे निजात दिला मेरे मौला। पर हुन अपना जद्दी हक हासिल करन लई उसनू अपने ही बागी भरा दे खिलाफ ए जंग लड़नी पै रही सी, जिस विच गुरु साहिब ने बहादुर शाह दी बेनती कबूल करके उसकी मदद लई फौजी इमदाद भी भिजवाई सी, जिस दे नतीजे वजो उसने गुरु घर का एहसान मनते हुए अपने दरबार विच गुरु साहिब का निघा स्वागत करन तो इलावा उन्होंने कीमती तोहफे भी भेंट किए सन। पर इतिहासकारा मुताबक बहादुर शाह गुरु साहिब की सारे धर्मां नूं बराबर का दर्जा देण अते छोटे साहबजादियां नूं नीयां विच चिणवाउण वाले वजीर खान नूं उचित सज़ा दिलवाउण की मंग पूरी करन विच कई तरह के सियासी ते मजहबी कारणां करके नाकाम रहा। हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं, मगर इस वक्त हम कुछ ऐसे सियासी और मजहबी माहौल से घिरे हैं कि आपके मशवरे को अंजाम देने के लिए हमें कुछ और मोहलत चाहिए होगी। हालांकि उस दे कुछ समय दी मोहलत मंगण अते बेनती करन ते गुरु साहिब अपने कुछ चुनवे सिंह समेत उस दे नाल राजपूताने अते दक्षण वल भी गए, जिथे बहादुर शाह बगावत दबाउण विच व्यस्त रहा अते गुरु साहिब
उस दौरान सिखी दा प्रचार करते रहे। आखिर जद गुरु साहिब नू उन्हां दे प्रस्तावां ते कोई ठोस फैसला ना लै सकण दी हालत विच बहादुर शाह दी अंदरूनी कमजोरी दा अहसास हो गया तां ओ दक्खण वल जांदे होए बहादुर शाह दा साथ छड के अपने सिंघां समेत नांदेड़ जा पहुंचे, जिथे उन्हां ने उथों दे एक बहुत ही प्रसिद्ध वैरागी ते करामाती पुरश माधो दास नू अपने रूहानी उपदेशां दे जरिए निहाल करके उस नू सिंह साजन दे नाल नाल बंदा सिंह बहादुर दे नाम नाल निवाजन तो बाद तीन हजूरी सिंघां तो इलावा पांच तीर ते एक हुक्मनामा दे के पंजाब वल रवाना कर दिता, जिसने अगे चल के गुरु साहिब दे हुक्म मुताबक सारे दोखियां नू सजावां देण दे नाल नाल सरहंद दी इट नाल इट खड़का दित्ती सी। कहा जांदा है कि बंदा बहादुर नू पंजाब वल रवाना कर देण तो बाद गुरु साहिब कुछ समय लई नांदेड़ विच ही ठहर गए अते छेती ही इत्थे भी दूरों दूरों सिख संगतां इकट्ठियां होण लग पईआं अते सिखी दे प्रसार दा कारज बाकायदा जारी रहा। इस दौरान सरहंद दे सूबेदार वजीर खान नू गुरु साहिब ते बहादुर शाह विचकार वध रहे तालुकात तो खतरा महसूस होना शुरू हो गया सी, लिहाजा उसने काफी समय तो एक कातिल पठान नू बड़े ही खुफिया तौर ते गुरु साहिब दे पिछे लाया होया सी। ये रही तुम्हारी पेशगी, तुम हमेशा साए की तरह उसके पीछे रहना और मौका मिलते ही काम तमाम कर देना। ए पठान गुरु साहिब दा श्रद्धालु होण दा विखावा करदा होया अक्सर उन्हां दे दर्शन करन दे बहाने उन्हां कोल आया जाया करदा सी, इसे करके उस दे गुरु साहिब कोल आउण जाण ते किसे भी तरह दी कोई पाबंदी नहीं लगाई जांदी सी। आखिर उस पठान ते कीते गए एतबार दा फायदा उठा के एक दिन ओ पठान गुरु साहिब दे नितनेम समय उन्हां दे दर्शन करन दे बहाने सेवकां दी नजर बचा के गुरु साहिब कोल जा पहुंचा। इस तरह गुरु साहिब नू नाम सिमरन विच लीन वेख के मौके दा फायदा उठाउंदे होए उस पठान ने दगाबाजी दी हर हद पार कर दित्ती। साहिब ने उस दगाबाज पठान दे भज जाण तो पहला ही अपनी खड़ग नाल उस दा सिर कलम कर दिता। गुरु साहिब उत्ते कीते गए छुरे दे वार नाल काफी डूंगा जख्म हो गया सी, जिसनू फौरन टांके ला के लहू दा वगना रोक लिया गया। इस तरह कुछ ही दिनां विच जख्म दे काफी हद तक भर जाण ते गुरु साहिब फिर अपने दरबार दी शोभा वधाउण लगे। नांदेड़ विखे निवास करदे होया जिस स्थान नू गुरु साहिब ने अपने चरण पा के भाग लाए सन, उस स्थान ते स्थापित एक गुरद्वारा सचखंड श्री हजूर साहिब अज भी गुरु साहिब दे उस अखीरले पड़ा दी यादगार दे तौर ते मौजूद हन। इत्थे ही एक दिन जद गुरु साहिब एक सख्त कमान ते चिल्ला चढ़ाउण लगे तां ज्यादा खिच पै जाण नाल उन्हां दे अले जख्म दे सारे टांके टुट गए अते बहुत ज्यादा लहू वगना शुरू हो गया। आखिर जद इत्थे मौजूद सिंघां दी हर मुमकिन कोशिश दे बावजूद लहू दा वगना ना रुकिया तां गुरु साहिब ने कुदरत दे उस परम सच नू निकट महसूस करदे होया अपने गिरद बेहद फिक्र विच डुब्बे सिंघां नाल मुखातिब हुंदे होया कहा,
एक घटना जिस तो हमेशा सारे ही पै खांदे हन मौत है, पर मैं सदा इस दे नाल नाल वसदा रहा हां अते कदे भी इस तो पै पीत होण दी बजाय इस दा निरपै हो के सामना करदा रहा हां। लिहाजा भविख विच तुहाथों सभना तो भी अजिही आस करदा हां, क्योंकि मेरा हुण प्रस्थान करन दा समा निकट आ गया है, पर तुसी मेरे रुखसत होण तो बाद किसे तरह दा कोई मातम नहीं करना, सगों उस अकाल पुरख दी रजा विच राजी रहिंदे होए उस दे पाणे नूं मिठा करके मनना। गुरु साहिब दे अजिहे बचन सुन के इसे स्थान ते विछोड़े दे एहसास नाल बेहाल हो रहे सिंघां ने जद गुरु साहिब तो अगां वास्ते गुरियाई दी जिम्मेदारी संभालण वाले किसे योग महापुरख बारे जानना चाहिया तां गुरु साहिब ने फरमाया कि अगां तो शख्सी गुरियाई दी थां श्री ग्रंथ साहिब तुहाडे आत्मिक ते संसारिक गुरु होणगे अते जो भी मैनू खोजना चाहे इसे आत्मिक खजाने विच्चों ही पा सकेगा। जिथे भी किते तुहाडे विच्चों पंज सच्चे सुच्चे सिंह एक मत हो के उस अकाल पुरख दे हुक्म अधीन चलदे होए इकट्ठे होया करनगे उत्थे ही तुसी मैनू अपने विचकार पाया करोंगे। गुरु साहिब ने अपने इन्हां रूहानी बचना तो बाद गुरु घर दी शुरू तो चली आ रही रस्म अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी परिक्रमा करके पंज पैसे ते एक नारियल समेत मत्था टेकन तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब नू अपनी गुरगद्दी सौंप दित्ती अते फिर इस पावन स्थान ते अपने आप नू उस अकाल पुरख दे चरणा विच समर्पित करदे होया 7 अक्टूबर 1708 नू रात दे समय अपनी जोत उस परम पिता परमात्मा दी जोत नाल मिला दित्ती। किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं प्रभ, सब किछ तेरा। मैं नहीं प्रभ, सब किछ तेरा। इगे निर्गुण हो गए सदगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझी पेख पेख मन साधारा। मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं। साज
जन तू प्रीतम मेरा, जितना बिसरे काहूं बेरा। तू साजन तू प्रीतम मेरा, जितना बिसरे काहूं बेरा। हाँ किछ नाही सब किछ तेरा, ओत पोत नानक संग बसेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। इस तरह मानवता के इतिहास विच शहादतां दे बेमिसाल प्रतीक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 42 वर्यां दे अपने जीवन काल दौरान गुरु नानक देव जी दे निर्मल सिखां तों खालसा साज के उन्हां नूं जुझारू सिंघां विच तब्दील करन तों बाद संत योधियां दी एक अजिही विलक्षण कौम की सिरजना कर दित्ती, जो मानवतावाद की हर कसौटी ते खरी उतरण दे नाल नाल गुरु साहब दे दरसाए कुर्बानियां परे मार्ग ते चलदी हुई अज भी पूरी तरह अजित है अते अपने सिद्क दी खातर अपना आपा वार देन तो कदे भी पिछे नहीं हटदी। हुण जेकर खालसा इतिहास नूं जंगी सिद्धांत दे पक्खों गौर नाल निरखण दा यतन कीता जावे तां इह बिल्कुल साफ नजर आउंदा है कि गुरु साहब ने खालसा फौज दे जरिए कदे भी किसे ते ना तां पहला हमला कीता ते ना ही वार, सगों हर हमलावर दे हमले दा जवाब दिंदे होए अपने बचा लई ही जंगा लड़िया। इत्थों तक कि किसी भी जंग नूं जित लैण तों बाद भी कदे किसे हमलावर दी जित्ती हुई जमीन दे एक चप्पे ते भी कब्जा नहीं कीता। अजिही मिसाल शायद ही दुनिया दी किसे होर कौम दे इतिहास विच पाई जा सके, पर अज दी तारीख विच मौजूदा हालात नूं मद्देनजर रखदे होए जेकर दसां गुरु साहिबाना दे जप तप त्याग ते बेहिसाब शहीदियां दे जरिए अपने आत्मिक ते संसारिक शिखर नूं हासिल कर लैण वाली सिखी नूं हुण आधुनिक दृष्टिकोण तों निरखण दा यतन कीता जावे तां इह मनणा पवेगा कि सिख धर्म तों सच्चा सुच्चा निरपक्ष अते आधुनिक धर्म होर कोई नहीं हो सकदा। हालांकि इस दुनिया विच प्रचलित होरना बहुत सारे धर्मां नाल संबंधित हर पवित्र तीर्थ स्थान दियां अपनी अपन खूबियां अते विलक्षणतावां हन, पर सिखां दे श्री हरिमंदर साहिब दी नींह दी पहली इट एक मुसलमान साईं मियां मीर तो रखवाई गई सी अते हरिमंदर साहिब विच बनाए गए चार दरवाजे अज भी हिंदू मुसलमान सिख अते ईसाई चौहां धर्मां समेत सारी मानवता नूं बराबर दा दर्जा देण दे प्रतीक हन। जिथे पवित्र कुरान शरीफ विच महान रबी बाणी अते पावन गीता या रामायण विच महान उपदेश दर्ज हन, उत्थे ही सिखां दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच हर धर्म दे संतां फकीरां ते सूफियां दी दर्ज कीती गई बाणी सारे धर्मां लई सच्चे आदर ते सद्भाव दी सब तों वड्डी मिसाल है। पर जे गौर नाल देखिया जावे तां इस दुनिया विच सिख धर्म ही शायद एक अजिहा धर्म है जिथे संगत नाल पंगत विच बैठ के लंगर छकण वाला हर प्राणी ऊंच नीच जात पात भेद भाव धर्मां भरमां तों मुक्त हो के एक दूजे दे समान हो जांदा है। जिहड़ा धर्म सारे फर्क दूर करन दे नाल नाल मानवता नूं सारियां दुनियावी हद्दां पार करवा के एक हो जाण ते एक नूं ही मनण दे राह पाउंदा होवे, अजिहे महान सिख धर्म नूं किसे प्रांत जां देश दीआं हद्दां दे दायरे विच ही सीमित रखण दी बजाए सर्वव्यापी ते विश्वव्यापी धर्म बनाया जाना चाहिदा है, क्योंकि इस विलक्षण धर्म दी कुख विचों ही एक अजिही विलक्षण सिख कौम दा जन्म होया जिसने सारे मुल्क दी आबादी दे मुकाबले विच
2% आबादी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई और पड़ोसी मुल्कों नाल हुई जंगा विच 65% तो 85% तक कुर्बानियां दित्तियां हन। सिर्फ 2% हुंदे होया भी जिहड़ी सिख कौम सारे मुल्क दा पेट भरन विच सब तो वड्डा योगदान देन दे नाल नाल सारी दुनिया दे कोने कोने विच हर पक्खों तरक्की दे हर शिखर ते पहुंची खड़ी होवे, अजिही विलक्षण कौम नूं वध तो वध मान सन्मान आदर सत्कार अते अदब दी लोड़ है, ना कि ईरखा पक्षपात ते द्वैत दी। गुरु साहिब दे दित्ते हुक्म अनुसार अज भी सारी दुनिया विच बने हुए हर गुरद्वारे दे दर हर धर्म ते हर जात दे लोकां लई खुले रहिंदे हन अते हर सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक के उन्हां दी हजूरी विच सामूहिक तौर ते सारियां संगतां समेत सारे गुरु साहिबान दा सिमरन करन दे नाल नाल अपनियां शहादतां कुरबानियां अते लहू दे दरियावां दे जरिए सिख कौम दे सिदक नूं बरकरार रखण लई अपना सर्वस वार देन वाले जपियां तपियां हठियां दे हक विच अरदास करदा होया सरबत दा भला मंगदा है। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुआईयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेतावे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरतामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार
ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे माण, नेताणियां दे ताण, नियोटियां दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरु आप दे हजूर सर्ब हित विच अरदास है जी। अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबता भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। बोले सो निहाल श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देख शिवा पर मोह है, शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो।
मरता मरता जन्म हुआ मर भी न जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।